टोटल सब 30,000 रुपीज के प्राइस रेंज में आपको क्या क्या नहीं मिल रहा है। वीगन लेदर बैग, एलईडी लाइट, सभी कुछ इन टर्म्स ऑफ डिजाइन आपको मिल रहा है। इन कंपैरिजन टू दैट, विद दिस डिवाइस सैमसंग ने ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं की। द कंपनी हैज केप्ट इट रियली रियली सिंपल। सिंपलिस्टिक डिजाइन आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। पकड़ने में इस डिवाइस को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। एक तो 7.8 mm केबल थिक है ये डिवाइस। जो ग्लास बैग जो आपको ए सीरीज वाले डिवाइसेस में मिल रहा है उसके मुकाबले, ऑल्दो यहां पर मैं कहूंगी कि प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन कुछ ज्यादा प्लास्टिकी या फिर चीप नहीं लगता है। द डिवाइस लुक्स इक्वली प्रीमियम इन योर हैंड। पकड़ने में काफी मजा आ रहा है इस डिवाइस को। केवल 180 ग्राम इसका वजन है, तो इट इज एक्सट्रीमली लाइट वेट एंड गुड टू होल्ड इन योर हैंड। अभी इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एलिमेंट, बिल्कुल पीछे की तरफ जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है एस सीरीज की तरह, तीन सिंपल कैमराज आपको इस तरह से नजर आते हैं दैट आर कमिंग आउट ऑफ द डिवाइस। एक्चुअली नीचे की तरफ सैमसंग का लोगो, ऑन योर राइट हैंड साइड यू गेट द वॉल्यूम रॉकर बटन राइट ऑन द टॉप, उसके नीचे पावर ऑन एंड ऑफ, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल एंड ऑफकोर्स देर इज टाइप सी फॉर चार्जिंग, एंड देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू गेट योर सिम कार्ड ट्रे। तो ये काफी सिंपलिस्टिक सिंपल डिजाइन के साथ इनफैक्ट कंपनी ने इस M55 को लॉन्च किया है। काफी लाइट वेट है, इट इज रियली वेरी गुड टू होल्ड विद द कर्व्ड बैग, इट फील्स रियली ग्रेट इन योर हैंड्स। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, इस डिवाइस पर आपको 6.7 इंच का सुपर एमोलेड प्लस इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलता है। 1000 निट्स इसकी पीक ब्राइटनेस है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले आपको बता दूं कि इट माइट नॉट बी द ब्राइटेस्ट या फिर शार्पेस्ट डिस्प्ले आउट देयर, खासकर इस प्राइस रेंज में जहां पे कंपटीशन इतनी ज्यादा तगड़ी है, लेकिन इसके बावजूद ओवरऑल डिस्प्ले एक्सपीरियंस बोथ इंडोर लाइट कंडीशन में या फिर आउटडोर लाइट कंडीशन में काफी अच्छा डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको मिलता है। व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, बेजल्स खासकर, बिकॉज ए सीरीज की शुरुआत में मैंने बात की थी, ए सीरीज के मोटे मोटे बेजल्स के मुकाबले द बेजल्स आर क्वाइट थिन, तो एक लार्ज डिस्प्ले का एक्सपीरियंस विद गुड व्यूइंग एंगल्स आपको इस M55 में मिलता है। ना परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो एवरीडे यूजेज के लिए, मॉडरेट यूजेज के लिए परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इस डिवाइस की, थैंक्स टू क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 जो आपको इस डिवाइस के अंदर मिलता है। दिस डिवाइस इज पावर्ड बाय क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1। ओवरऑल मल्टीपल ऐप्स अगर आप इकट्ठे लॉन्च करेंगे, इन बिटवीन ऐप्स शफल करेंगे, तो कोई भी फ्रीज या फिर लैग, स्टटर्स, डिलेज वगैरह आप नहीं महसूस करेंगे। इन स्पाइट ऑफ कंटिन्यूस यूजेज कोई भी इशू नहीं होती, द परफॉर्मेंस एंड द डिवाइस रन्स वेरी वेरी स्मूथली। लेकिन हाँ, कंटिन्यूस यूजेज के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की, खासकर व्हेन यू आर शफलिंग बिटवीन ऐप्स, बीच में से कैमरा ऐप से स्विच मार के किसी और ऐप को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं आप अगर, तो थोड़ा हीटिंग इशू, मतलब नॉर्मल हीटिंग इशू, बहुत ज़्यादा हीट होता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हीटिंग इशू इज वॉट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस। शायद सारे डिवाइसेस में ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फटाफट मैंने 2-3 चीज़ें इकट्ठी जब लॉन्च की, तो दिस इज समथिंग दैट आई फेस, इसीलिए आपके साथ ये चीज़ ऑनेस्टली शेयर कर रही हूँ। अभी स्पीकिंग ऑफ वन यूआई, तो आपको जो ए सीरीज में एक क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलता है, शायद इस डिवाइस पर आपको वो ना मिले। कई सारे ब्लोटवेयर वाले ऐप्स इस डिवाइस पर प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दूं, बिकॉज ऑफ सैमसंग पार्टनरशिप्स, कई सारे यूजफुल फीचर्स या फिर ऐप्स भी इस डिवाइस पर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 360 हो गया, लिंक्डइन वगैरह जैसे ऐप्स,
YouTube वगैरह, Google, ये सभी कुछ प्री इंस्टॉल्ड आपको इस डिवाइस पर मिलता है। और एक और खास चीज जो मैंने इनफैक्ट शुरुआत में ही कही थी, अगले 4 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स और इसी के साथ साथ अगले 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी आपको M सीरीज M55 के साथ मिलते हैं, विच इज अ फैबुलस थिंग कंसिडरिंग ये चीज मोस्टली इतना ज्यादा रेलिवेंट आपका फोन तभी रहता है व्हेन यू आर बाइंग अ फ्लैगशिप। तो ये चीज एक बजट सीरीज में लेकर आना विच इज लाइक अ ग्रेट थिंग। सो बोनस पॉइंट्स, ब्राउनी पॉइंट्स टू सैमसंग फॉर दिस एस्पेक्ट। इन टर्म्स ऑफ कैमराज, आपको एक ट्रिपल कैमरा सेटअप इस डिवाइस पर मिलता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा विथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन, इसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। इस तरह के ब्राइट लाइट कंडीशन में पिक्चर्स अच्छे आते हैं। इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रे ऑल्सो, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में अच्छा डिफ्रेंसिएशन आपको नजर आता है। अभी फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करें तो उसमें भी पोर्ट्रेट्स कम आउट टू बी रियली नाइस। एक एडिशनल चीज आपको बताना चाहती हूँ इन टर्म्स ऑफ सेल्फी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, डिटेल्स और शार्पनेस बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इस डिवाइस की कैमरा परफॉर्मेंस को देखें तो कैमरा इज एवरेज, नॉट वर्थ नोटिंग। जिस तरह से हम लोग ने सॉफ्टवेयर के बारे में बात की या फिर इन टर्म्स ऑफ डिजाइन इसके लाइटनेस के बारे में बात की, वो नोटवर्दी फीचर्स है इस डिवाइस के, उतना बढ़िया शानदार कैमरा परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलता है। कैमरा इज ओके। एक एडिशनल चीज आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि कैमरा ऐप को लॉन्च करने में या फिर इन बिटवीन यू नो सेल्फी से सामने वाले पर्सन की फोटो अगर आप लेनी है उसमें शफल करने में थोड़ा 1 से 2 सेकेंड का लैग आप महसूस करेंगे। दैट डिले इज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ सम सॉफ्टवेयर इशू, बट हाँ ये एक एडिशनल चीज मैंने नोटिस की है मल्टीपल जब मैंने फोटोज लेने की शिफ्ट करने की कोशिश की। तो इन टर्म्स ऑफ बैटरी, आपको 5000 एमएएच की दमदार बैटरी इस डिवाइस के साथ मिलती है। इन टर्म्स ऑफ वेट, इतनी लगती नहीं है कि 5000 एमएएच की बैटरी आप इस डिवाइस के अंदर होगी, इस डिवाइस के साथ आपको मिलती है, लेकिन हाँ 5000 एमएएच की बैटरी आपको मिलती है। सिंगल चार्ज पर आराम से दिन भर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हैवी यूजेज भी है तो भी आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बता दूं, 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है, विच इज अ ग्रेट फॉर एन एम सीरीज डिवाइस। बट अ बिग बट ओवर हियर, ये जो बड़ा सा बॉक्स सैमसंग ने दिया है फॉर M55, इस बॉक्स के अंदर आपको चार्जिंग ब्रिक नहीं मिलती। तो 45 वॉट की चार्जिंग कैपेसिटी में आपको डिवाइस को चार्ज करना है, देन चार्जर आपको अलग से खरीदना होगा जिसकी कीमत 3000 रुपए है। तो ये बॉक्स के अंदर आपको नहीं मिलता है। तो फाइनली मेरा वर्डिक्ट इस M55 डिवाइस के बारे में क्या है, तो आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने जिस बारे में बात की शुरुआत में, 4 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स आपको इस डिवाइस के साथ मिलते हैं, एक रिस्पेक्टेबल बैटरी, अच्छी खासी डिज़ाइन वाला डिवाइस अगर आपको ख़रीदना है देन इट टिक्स दोज बॉक्सेस। लेकिन ये जो कैटेगरी है सब 30-35,000 रुपीज़ के डिवाइसेस जो आजकल मार्केट में लॉन्च हुए हैं, वो इतनी ज़्यादा फीचर पैक्ड है, इतनी ज़्यादा अच्छी खासी कंपटीशन है, इतने बढ़िया डिवाइसेस आजकल इस प्राइस रेंज में लॉन्च हुए हैं, उसके मुकाबले थोड़ा पीछे पड़ जाता है ये सैमसंग गैलेक्सी M55 डिवाइस। अभी इसके बावजूद अगर सैमसंग इस ब्रांड के अगर आप फैन हैं, और कई सारे लोग होते हैं कि मुझे सैमसंग का ही डिवाइस खरीदना है, देन यू कैन गो फॉर दिस वन। वेरिएंट्स आपको फटाफट बता देती हूँ, 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट, उसकी कीमत शुरू होती है 26,999 रुपीज से। अभी हमारे पास जो रिव्यू यूनिट आया है दैट इज 12GB की रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, जिसकी कीमत है 32,999 रुपीज़। तो बिल्कुल 35,000 रुपीज़ के नीचे वाले बजट में ये डिवाइस आता है, और जो स्टोरेज है उसे आप एक एक्सटर्नल कार्ड की मदद से 1TB तक भी एक्सपैंड
कर सकते हैं।